हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे चुनार का मूर्ति मार्केट। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि चुनार का जो मूर्ति मार्केट था वो पूरी तरीके से मतलब सजाया नहीं गया था। जो मुख्य मार्केट इधर जहाँ पे कम से कम 20 से 25 50 दुकानें लगती हैं वो वाला मार्केट, वैसे तो पूरे रोड पे हर जगह मार्केट और 12 महीना मार्केट रहता है, लेकिन कुछ कुछ दुकानें खुली रहती हैं। फिलहाल जो ये सीजनी मार्केट है वो मार्केट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सामने, यहाँ से स्टार्ट हो गया है मार्केट और यहाँ से सभी दुकानें लगना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी मूर्तियाँ जो कि गणेश लक्ष्मी के जो स्पेशल मूर्ति हैं वो यहाँ पे सजाया गया है हर एक दुकान में। इधर भी देख सकते हैं, तो ये एक बाज़ार लगता है मूर्ति मार्केट का। मार्केट करने वाला अभी हिंदुस्तान में है भाई, है कि नहीं है? मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में है। सामने देख सकते हैं ये बहुत अच्छा जो कि यहाँ पे मूर्ति का मार्केट लगाया गया है और सभी गणेश लक्ष्मी का जो स्पेशल अभी दीपावली आ रहा है उसके लिए सब दिव्य मार्केट लगाया गया है। अरे मूर्ति लाला कुछ नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा कि ये मार्केट लगभग लग चुका है, कुछ दुकानें अभी रह गए हैं बाकी जो कि अभी लगना बाकी है, लगभग 2-3-4 दिन और लगेंगे। मतलब समझ लीजिए कि विश्वकर्मा पूजा से यहाँ का मार्केट पूरा चालू हो जाता है और विश्वकर्मा पूजा से लेकर के आपका दीपावली तक लास्ट रहता है। तो दीपावली तक मेन मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बाकी काम लोग अपनों अपने अपने घर पर लोग करते हैं और मूर्ति का कार्य जो कि 12 महीना बनाने का काम होता है, लेकिन जो मार्केटिंग का काम होता है वो सिर्फ 2 से 3 महीने तक होता है। मतलब कि ये अभी जो जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट करता हूँ सितंबर के महीने से और लास्ट जो है दीपावली होता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।